गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। ठीक है, इसमें डेली करंट अफेयर में पढ़ेंगे हम 28, आज है 28 दिसंबर और हम पढ़ेंगे 27 दिसंबर की डेली करंट अफेयर। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करने के लिए, इसको रंग भेद को समाप्त करने के लिए, ठीक है, किसको? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करने के लिए किसको? आर्क बिशप डेम मंड टूट, इसको दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करने आर्क में डेनमूट को क्या दिया गया दिसंबर में, मतलब इनको नोबल पुरस्कार दिया गया था, किसको? रंग भेद को समाप्त करने के लिए नोबल पुरस्कार। ठीक है, नोबल पुरस्कार विजेता है ये। ठीक है, कौन है? आर्क बिशप। ठीक है, कब दिया गया था? 1984 में। ठीक है, तो क्या हुआ इनका दिसंबर में, क्या हो गया? इनका निधन हो गया 27 दिसंबर को, इनका निधन हो गया। किसका? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करने के लिए आर्क बिशप डेमेंट टूट को नोबल पुरस्कार विजेता 1984 में, नोबल पुरस्कार विजेता आर्क बिशप डायमंड टूट को रंग भेद को समाप्त करने के लिए जो नोबल पुरस्कार दिया गया था 1984 में, उनका दिसंबर में निधन हो गया। क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका के नोबल पुरस्कार विजेता आर्क बिशप डायमंड टूट को रंग भेद समाप्त करने के लिए, रंग भेद समाप्त में अपना प्रतिनिधित्व निभाने वाले इनका दिसंबर में क्या हो गया? इनका निधन हो गया। इन्होंने क्या किया था 1941 में, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत बहुमत के खिलाफ श्वेत अल्पसंख्यक सरकार द्वारा इन्हें क्या किया था 1948 से 1951 दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करने के लिए, मतलब इनमें अश्वेत बहुमत के खिलाफ क्या किया था इन्होंने? अश्वेत बहुमत के खिलाफ अलगाव वाह भेद नीति को समाप्त करने की, भेद नीति को समाप्त करने के लिए क्या किया था इन्होंने? भेद नीति को समाप्त करने के लिए आंदोलन के पीछे इनका बहुत बड़ा क्या था, प्रेरक तौर पे इन्होंने प्रेरक किया था। ठीक है, इस नीति को समाप्त करने के लिए, ठीक है, समाप्त करने के लिए इनके बहुत बड़े एक तरीके से राजनेता के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ द्वारा, राजनाथ सिंह द्वारा इन्होंने क्या किया है? इनने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किसके 26 दिसंबर 2021 को इन्होंने क्या किया? रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र DTC और कौन सा ब्रह्मोस विनिर्माण, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की स्थापना की।
केंद्र की स्थापना की, इसने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 26 दिसंबर को रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र DTC और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की स्थापना की। ये स्थापना कहाँ की? यह स्थापना DRDO के द्वारा, DRDO के द्वारा नखलऊ कहाँ किया गया? DRDO के द्वारा नखलऊ में, DRDO मतलब इसके DRDO द्वारा रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र DTC और ब्रह्मोस निर्माण केंद्र की स्थापना DRDO द्वारा नखलऊ में की गई। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? DRDO ने की थी, और इसकी स्थापना DRDO ने नखलऊ में UP में की जा रही है, मतलब अभी की जा रही है। इसकी स्थापना नखलऊ में की जा रही है, कितनी? 26 दिसंबर को इसका उद्घाटन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? यूपी में डिफरेंस, यूपी के डिफरेंस इंडस्ट्रियल, यूपी के डिफरेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफरेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, डिफरेंस डिफरेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को इस यूपी में स्थापित कर दिया जाता। इसके द्वारा रक्षा और इसके द्वारा डिफरेंस एग्रीकोड की रक्षा, मतलब इसके द्वारा यूपी में एक डिफरेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाता है, जिसके द्वारा रक्षा करने के लिए अनेक उपकरणों का विकास किया जाएगा, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, मतलब ब्रह्मोस विनिर्माण मिसाइल सर्वश्रेष्ठ, मतलब इसकी योग्यता अधिकतर रहेगी, इसका निर्माण अधिक से अधिक होगा इसमें। ठीक है, और यह अभी तक का, और इसमें तेजी से विकास करने के लिए, इसके कॉरिडोर में तेजी, रक्षा सामग्रियों का तेजी से विकास करने के लिए, किसका? रक्षा सामग्रियों का, रक्षा सामग्रियों का तेजी से विकास करने के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई है? DRDO के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। यह रक्षा सामग्री को तेजी से बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, और यह यूपी में पहला DTH DTC स्थापित किया जा रहा है। किसमें? यूपी में पहला DTC स्थापित किया जा रहा है इसका। ठीक है, पहला DTC स्थापित किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, इसमें आगे पढ़ेंगे अपन, चीन ने क्या किया है? चीन ने हाल ही में, चीन ने हाल ही में क्या किया है? एक उपग्रह, मतलब चीन ने एक ऐसा उपग्रह भेजा है जिसमें एक कैमरा है। क्या है? एक कैमरा वाला उपग्रह, एक कैमरा वाला उपग्रह भेजा है। ठीक है, जो कि 5 मीटर के रेंज में आता ही, मतलब सतह से 5 मीटर के रेंज में आते ही क्या करता है? ये फोटो खींच लेता है। ठीक है, कैमरा, एक कैमरा वाला उपग्रह भेजा, नया उपग्रह भेजा है। ठीक है, और इसकी क्या खासियत है? ये 5 मीटर जमीन से ऊपर की फोटो लेगा, पिक लेगा, क्या लेगा? पिक्चर लेगा। ये थे 5 मीटर ऊपर की रेंज में यह क्या कर लेगा? पिक्चर लेगा। इसका नाम क्या है? Geon 102E। ठीक है, ये इसका क्या नाम है? Geon 102 या 5 मीटर, यह 5 मीटर ऑप्टिकल, 5 मीटर ऑप्टिकल उपग्रह। ठीक है, 5 मीटर ऑप्टिकल उपग्रह, इसका क्या नाम रहेगा? 5 मीटर उपग्रह 02 उपग्रह इसका नाम दिया गया है। नामक उपग्रह को चीन के सोंगसी प्रांत से इसको भेजा गया। ठीक है, किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया? इसको भेजा गया
लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट, ठीक है, इसको लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से भेजा गया। किसको भेजा गया? JUN-102E, इस या 5 मीटर ऑप्टिकल उपग्रह 02, ठीक है। इसको ये 5 मीटर जमीन से 5 मीटर की सतह पर आते ही यह फोटो खींचना शुरू कर देता है, ठीक है। और यह मतलब इसमें सेंसर लगे हैं जो कि जमीन से 5 मीटर के ऊपर जाते ही यह उपग्रह फोटो खींच लेता है। और यह जमीन तक मतलब उपग्रह ऊपर से भी नीचे जमीन तक 5 मीटर के ऊपर तक की सभी चीज़ों की पिक्स ले सकता है, फोटो खींच सकता है ये चीन। मतलब ये एक तरीके से ये है कि ये मतलब नज़र रखने के लिए इस उपग्रह का उपयोग किया गया। ऑयल इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्या किया गया? ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम, जो कि असम में भारत की सबसे दूसरी सबसे बड़ी तेल खोजकर्ता क्या है? ऑल इंडिया लिमिटेड असम में जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी तेल खोजकर्ता ने जोराहाट में जोराहाट में के तेल क्षेत्र में जोराहाट के तेल क्षेत्र में क्या किया इन्होंने? ऑल इंडिया लिमिटेड असम में क्या किया इन्होंने? भारत की दो की दूसरी सबसे बड़ी तेल खोजकर्ता ने जोरहाटा तेल क्षेत्र में मतलब इनके यहाँ पर तेल खोद रहा था, जोरहाटा तेल क्षेत्र में एक हरित हाइड्रोजन प्लांट लगाया है, एक हरित हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण कर रही है, ठीक है, निर्माण कर रही है, निर्माण कार्य पर प्रगति पर है, ठीक है, निर्माण कार्य कर रही है, जिसके द्वारा जोरहाट में पंप स्टेशन 3 पर 100 केवी वोल्ट का हरित H2O का विकास कर रही है, उत्पादन कर रही है, संयंत्र स्थापित कर रही है। अब जोरहाट में ये क्या करे, ये पंप स्थापित करनी है तो इनको 100 किलो केवी वाट का क्या चाहिए? इनको एक तरीके से बिजली आपूर्ति के लिए वहाँ पे पंप स्टेशन पर चाहिए, मतलब पंप स्टेशन 3 पर 100 किलो वाट की पावर सप्लाई चाहिए, जिसके द्वारा हरित उत्पादन में इनको मदद मिलेगी। मदद क्या मिलेगी? संयंत्र को स्थापित करेंगे जिससे वहाँ पे हरित हाइड्रोजन का विकास होगा और इसका अपन लोग क्या कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, ठीक है। और यह भारत की पहली परियोजना है, ठीक है, हरित हाइड्रोजन को भारत की पहली परियोजना है, परियोजना है, ठीक है। क्या किया मतलब अगर ये क्या हुआ, भारत की ये पहली परियोजना है जिसके तहत जोरहाट में पंप स्टेशन 3 पर 100 केवी वाट की संचार व्यवस्था रखकर हरित उत्पादन हाइड्रोजन को विकसित किया जाएगा संयंत्र के द्वारा। यह भारत की पहली ऐसी योजना है, ठीक है, जिसके लिए भारत में इस चीज़ के इसका प्लांट लगाया जा रहा है। और क्या किया भारत में पहली बार, ये भी मिटा दें, क्या कर रहे हैं, पहले भारत में क्या है? भारत के यू नहीं पहला क्या हुआ, पहला दिवसीय, पहला 3 दिवसीय, पहला क्या किया, पहला 3 दिवसीय काशी भारतीय, काशी भारती अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव,
क्या किया जाए? पहला 3 दिवसीय काशी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2000, जो कि 27 दिसंबर 2021 को मनाया जा रहा है। ये कहाँ मनाया जा रहा है? ये काशी वाराणसी में मनाया जा रहा है, ये कि वाराणसी में मनाया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए यह भारत का नहीं, भारत में, यह यूपी में यह पर्यटन का केंद्र बनेगा, ठीक है। पर्यटन, यूपी के पर्यटन के लिए संस्कृति, किस चीज़ के लिए? संस्कृति। और संस्कृति और धार्मिक अर्थ, ठीक है। ये यूपी में पर्यटन और संस्कृति और धर्मार्थ कार्य मंत्री किसने? नीलकंठ तिवारी के द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक है। किसका? पहला 3 दिवसीय काशी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव फिल्म महोत्सव को, इसमें क्या क्या 27 दिसंबर 2021 में जो कि होना है। इसके यूपी के पर्यटन मंत्री संस्कृत और धार्मिक अर्थ कार्य मंत्री नीलकंठ तिवारी के द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक है। और यह किसके संयोग में किया जा रहा है? यह संयोग किसके संयोग में किया? यह संयोग किस में? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसके संयोग में किया जाए। किसके संयोग से? यूपी के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसका क्या किया जाता है? एक तरीके से देखा पर की किया जा रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने वर्सेस तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश विजय रहा। किसमें? हॉकी, हॉकी, ठीक है। हॉकी में क्या रहा? हॉकी के फाइनल में इसके 11वीं जूनियर, 11वीं जूनियर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष चैंपियन चैंपियनशिप में क्या किया? उत्तर प्रदेश जीता है वर्सेस तमिलनाडु के अगेंस्ट, या 11वीं जूनियर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने जीत हासिल किया, ठीक है। किसने? उत्तर प्रदेश ने जीत हासिल की। यह 11वीं जूनियर अंतर्राष्ट्रीय यह 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप थी, ठीक है। इसमें चंडीगढ़, इसमें चंडीगढ़ एक को 3 से हराया। इसमें चंडीगढ़ को 3-1 से हराया। किसने? उत्तर प्रदेश ने भी चंडीगढ़ को भी हराया, इसमें 3-1 से हराया है, ठीक है। क्या किया पीएम मोदी ने? क्या किया पीएम मोदी ने? क्या किया 27 दिसंबर 2021 को 11,000 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन, कितना? 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, किसका? परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, ठीक है। किसने? पीएम मोदी ने 27 दिसंबर 2021 को 11,000 करोड़ की परियोजना और उनका उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें इनमें क्या हुआ है? मंडी में धौला, मंडी में धौला सिंध सिद्ध
जल, विद्युत और जल विद्युत और रेणु काजी में, किसमें? रेणु काजी बांध परियोजना, बांध परियोजना, बांध परियोजनाएं शामिल है इसमें। क्या है? एक लोहानी में, एक लोहारी में, लोहारी स्टेज में, एक हाइड्रोजन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सहायता, प्रोजेक्ट की इन्होंने क्या की? आधारशिला रखी है। किसकी? एक लोहानी स्टेज वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्या किया इन्होंने? आधारशिला रखी। इसमें इसमें कितना? 210 मेगावाट बांध है, ठीक है, जिसकी लागत कितनी? 1800 करोड़ रुपए, ठीक है। इसमें 240 मेगावाट का एक क्या है? बांध, बांध है जिसकी लागत कितनी? 1800 करोड़ रुपए है, ठीक है। ये परियोजना आज की समाप्त हुई। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।